अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेथड की एक्सरसाइज 10.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम, हमने इनके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। करते हैं इसे, हम पहले इसे लेते हैं इक्वेशन को, हम इसे डी एक्स ओवर डी टी, इसे इस तरफ लेंगे माइनस वाई इक्वल जीरो करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास d ओवर डी टी है, इसे हम d लिखेंगे, कैपिटल d। लेट कर लेंगे कि d ओवर डी टी जहाँ भी आएगा उसे हमने d के इक्वल लिख देना है। d और ये सारे को हमने d लिख दिया है, और बाकी यहाँ ये x बच गया, इसे x लिख देंगे माइनस वाई इक्वल जीरो। ये एक इक्वेशन होगी हमारे पास। अब इसको लेंगे, ये जो है इसकी जगह d आ जाएगा, साथ में y आ जाएगा, इसे इस तरफ ले आएंगे प्लस 4x माइनस 4y इक्वल जीरो हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x वाली भी एक है, y वाली भी एक है, इधर y वाली दो हैं, तो दोनों को में से y कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा d माइनस 4y प्लस 4x इक्वल जीरो। ठीक हो गया। अब जैसे हम सिंपल इक्वेशंस जो सॉल्व करते होते हैं उनमें क्या करते होते हैं कि जो इक्वेशंस होते हैं उसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स और वाई में देते हैं, एक्स के कोफिशेंट को सेम कर लेते हैं या वाई के कोफिशेंट को सेम करके फिर उसे कैंसिल कर देते हैं और दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे देखें, हम पहले हम वाई के कोफिशेंट को सेम कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर वाई का कोफिशेंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर डी माइनस 4 है। अगर हम इसको डी माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों वाई के कोफिशेंट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम ऐसे ही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय डी माइनस 4, ये हो जाएगा हमारे पास d इंटू डी माइनस 4 एक्स, और ये हो जाएगा d माइनस 4 वाई इक्वल जीरो। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है, ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स माइनस डी माइनस 4 वाई इक्वल जीरो। ये वाई वाली वाई के नीचे लिख देंगे प्लस डी माइनस 4 वाई, और ये एक्स वाली एक्स के नीचे लिख देंगे प्लस 4 एक्स इक्वल जीरो। ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 4 एक्स इक्वल जीरो आ गया। ठीक हो गया। अब जब हम इसको ये इक्वेशन हमारे पास आ गया डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 4, इसे इक्वल जीरो लिखने, वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिया, यानी कि एक्स की वैल्यू। अब हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे, हम इसे सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे हम बन रहा डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 ए बी करेंगे तो माइनस 4 डी आ जाएगा। तो इसका हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 रूल्फ आ गई। अब देखिए, ये जो डी की वैल्यू हमारी आई है, यानी कि जो रूट्स निकले हैं हमारे, ये इक्वल रूट्स आए हैं। जब इक्वल रूट्स आए तो हम उसे कैसे लिखते होते हैं, आई वैल्यू किसकी है, एक्स की, एक्स इक्वल दो रूट आए हैं, पहले लिखेंगे सी वन प्लस सी टू, पहले के साथ एक्स नहीं लिखेंगे, मतलब एक्स की पावर जीरो होगी तो मतलब वन हो जाएगा, दूसरे के साथ एक्स आ जाएगा। अगर तीन रूट आए होते फिर हम आगे प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर लिख देते, दो रूट आए इसलिए हमने सिर्फ यहाँ लिख के स्टॉप कर दिया, और इसके बाहर ई लिखे, उसकी पावर में ये जो हमारा रूट निकला है वो रूट लिख देंगे। और दूसरा, ये जो इसमें जो डी है उसमें क्या हमने लिया हुआ है, लेट डी ओवर डी टी लिया, डी इसमें यूज़ हो रहा है तो हम इसके साथ टी लिख देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेंगे, जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती थी तो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते होते थे। अब यहाँ देखिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी वैल्यू आसानी से आ जाएगी, यहाँ पर आएगी तो हमें डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये इक्वेशन ले लेंगे डी एक्स माइनस वाई इक्वल ज़ीरो, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या हमारी आई है, ये वाली, ये हम लिख देंगे यहाँ पे सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू टी, साथ में माइनस वाई इक्वल ज़ीरो हो गया। वाई को उस तरफ ले जाएं, वाई की वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, डी सी वन ई टू टी प्लस डी सी टू
या सॉरी एक्स नहीं आना था, टी आना था। यहाँ वो वाला आता होता जो हमने यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट से ये हुआ है, डी जो था ना टी, वही आता होता है। यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे टी है, क्योंकि एक्स की तो वैल्यू हमने फाइंड की है ना, तो फिर एक्स कैसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये टी है, टी ई टू टी, ये हमारे पास आ गया। अब ये डी का मतलब डेरिवेटिव है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है इसका। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे, सी वन कॉन्स्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, टू ई की पावर टू टी, यानी कि इसका डेरिवेटिव लिख दिया, प्लस ये सी टू जो है वो कॉफिशियंट जो है वो हमने बाहर निकाल दिया। अब ये यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव जो करेंगे टी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू ई की पावर टू टी, प्लस अब ये एज इट इज आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव वन आता है, उसे रहने देंगे लिखने को। ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब हम जब हम इसे लिखेंगे इस तरह में लिखा रहता है, या मल्टीप्लाई कर लें, सी वन ई की पावर टू टी प्लस सी टू टी, टू स्टार्ट में लिख लें, ई की पावर टू टी प्लस सी टू ई की पावर टू टी इक्वल वाई, यानी कि हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे और ये एक्स की वैल्यू भी आ गई। यही हमने करना था यहाँ पे। ये जब रूट्स हमारे यहाँ पे आते होते हैं, रूट्स हमारे रियल आते होते हैं, सॉरी रूट्स जो हमारे पास आते हैं रिपीटेड होते हैं, जिस तरह ये रिपीट कर रहे हैं रियल हैं और रिपीट हो रहे हैं। फिर होते हैं रूट्स होते हैं डिस्टिंक होते हैं, मतलब मुख्तलिफ होते हैं और रियल होते हैं, और फिर इमेजिनरी, तीन तरह के हमारे पास रूट्स होते हैं। ये हमने कर लिए रियल रूट्स हैं और रिपीटेड हैं इसका कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट करेंगे, हर क्वेश्चन में देख लेंगे लादे से किस तरह करना है इसको, किस तरह के रूट्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, वैसे ही जिस तरह पहले किया था, डी ओवर डी टी जो है दोनों में उसको हमने लेट कर लिया डी की इक्वल, कैपिटल डी की इक्वल, उसी तरह हम इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं डी, ये सारा डी हो गया, और साथ में जो एक्स था वैसे ही साथ आ गया, ये इधर ले आओ मैन माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल जीरो क्या आ जाएगा। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, डी माइनस वन माइनस वाई, मतलब ये एक्स वाली वैल्यू आ गई, ये वाई वाली वैल्यू आ गई। इसमें भी ऐसे करेंगे, ये सारा डी हो जाएगा और साथ में वाई वैसे आ जाएगा, डी वाई इसे इस तरफ ले आओ माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल जीरो, ये दोनों वाई वाली हैं तो इनमें से वाई कॉमन ले लेते हैं, डी प्लस टू लिख लेते हैं, माइनस फोर एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे वाई वाई वाली को ही देख लेते हैं, क्योंकि जब एक्स वैल्यू करना है तो फिर इसे डी माइनस वन से करना पड़ेगा और इसे फोर से करना पड़ेगा, फिर होगी इसमें। अगर वाई वाली को देखना है तो बस इसमें वाई के साथ डी प्लस टू है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसे डी प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय डी प्लस टू, बोथ साइड पे कर देते हैं, डी डी माइनस वन है और साथ में डी प्लस टू एक्स माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डी प्लस टू वाई इक्वल ज़ीरो, ये वैसे आ जाएगा। ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू बन गई। ठीक हो गया, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते, क्योंकि यहाँ इसके साथ प्लस का साइन या माइनस का साइन ऐड करेंगे तो कट जाएंगे। अगर दोनों के साइन सेम हो तो फिर हम माइनस करते ताकि एक का साइन चेंज हो जाए और वो कट जाए। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, डी इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते, बाद में भी तो मल्टीप्लाई करना है, फिर लंबा करना पड़ेगा, डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस टू एक्स, ये वैसे ही लिख लेते हैं, इसने कटिंग हो जाना है, इक्वल ज़ीरो। अब ये वाई वाली जो है इस वाई वाली के ही नीचे लिख लेते हैं प्लस डी। अब ये जो एक्स वाला माइनस माइनस फोर एक्स है ये इसके नीचे लिख लेते हैं माइनस फोर एक्स। अब इसको प्लस करेंगे, ये दोनों कट जाएंगी। अब यहाँ देखिए, इसमें से डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस टू और ये माइनस फोर, तो माइनस सिक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल ज़ीरो आ गया। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जैसे लिखते होते हैं हम, डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो। सिक्स के हमारे पास क्या पेयर बनते हैं, थ्री टू ज़ार सिक्स होते हैं, थ्री में से टू माइनस करें तो वन आ जाता है, फैक्टराइज मतलब कर रहे हैं हम इसे। डी स्क्वेयर प्लस थ्री डी माइनस टू डी माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो, इसमें से डी कॉमन आ जाएगा तो डी प्लस थ्री, इसमें से माइनस टू कॉमन आ जाएगा तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, फैक्टर क्या बन गए, डी प्लस थ्री डी माइनस टू, और वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, डी की यहाँ से माइनस थ्री आ जाएगी और यहाँ से टू आ जाएगी, मतलब दूसरी तरफ जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। डी की वैल्यूज हमारे पास माइनस थ्री और टू आ गई हैं, ये हमारे पास रियल आई हैं और डिस्टिंक आई है। पहले जो क्वेश्चन वन के तो उसमें रियल थी लेकिन रिपीटेड थी, डिस्टिंक थी। डिस्टिंक को कैसे लिखते होते हैं, ये हमारे पास आ किसकी रही है, एक्स की वैल्यू,
एक्स लिखेंगे इक्वल, इसे कैसे लिखेंगे, सी वन डिस्टिंक्ट रूट को सी वन ई की पावर, दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, माइनस थ्री लिख लेते, माइनस थ्री, और ये डी ओवर जो डी था वो क्या था, डी ओवर डी टी था ना, टी उसमें यूज़ हो रहा था इसलिए यहाँ पे टी लिख देंगे। फिर प्लस सी टू ई की पावर, ये वाला दूसरा जो हमारे पास रूट है साथ में टी आ जाएगा। जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो तब हम उसे इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, अब हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन किया था उसी में उसी तरह ही हम कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है, अगर हम एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लेते हैं, जी कर लेते हैं, डी माइनस वन एक्स की जगह, अब ये इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, सी वन ई की पावर माइनस थ्री टी, सी वन ई की पावर माइनस थ्री टी, साथ में प्लस सी टू ई की पावर टू, प्लस सी टू ई की पावर टू टी, ये आ गया, साथ में माइनस वाई इक्वल ज़ीरो, ठीक हो गया। y को उस तरफ ले जाएंगे, ये पहले d सबसे मल्टीप्लाई होगा फिर 1 होगा, d को मल्टीप्लाई करेंगे, d c1 e की पावर माइनस थ्री टी प्लस d c2 e की पावर टू टी, अब माइनस वन से करेंगे तो बस इनके साइन चेंज होंगे, c1 e की पावर माइनस थ्री टी माइनस c2 e की पावर टू टी, ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब जिसके साथ d है, d का मतलब डेरिवेटिव है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, c1 तो कोफिशियंट है वैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्यों होगा, जो कोस्ट कोफिशियंट इसका होता है वो साइड पर आ जाता है, तो माइनस थ्री आएगा, माइनस हम इधर लगा देते हैं, थ्री ई की पावर माइनस थ्री टी आ जाए। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, टू सी टू, तो कोफिशियंट है वैसे लिखना ई की पावर टू टी। अब इनके डेरिवेटिव्स लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इनके साथ डी नहीं, इन्हें वैसे ही लिख देंगे, सी वन ई की पावर माइनस थ्री टी प्लस माइनस सी टू ई की पावर माइनस टू, सॉरी माइनस नहीं है प्लस नहीं है, टू टी इक्वल वाई। अब इधर देखिए ज़रा, e की पावर माइनस थ्री टी ये भी है और e की पावर माइनस थ्री टी ये भी है, ये माइनस थ्री है, ये माइनस वन है, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर सी वन ई की पावर माइनस थ्री टी, अब ये टू टी है, ये भी टू टी है, ये माइनस का नहीं ये प्लस का ही है, ये सी माइनस सी टू है, ये प्लस प्लस सी टू सी टू है, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन रह जाएगा प्लस का सी टू ई की पावर टू टी, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री करने लगे हैं, उसी तरह d ओवर डी टी को कैपिटल D लिख लिया है हमने, लेट कर लिया है, टू इतने की जगह d आ जाएगा, साथ में x प्लस इसमें ये इसकी जगह d आ जाएगा और साथ में y, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल ई की पावर माइनस टी आ गया, ठीक है। एक्स वाले इकट्ठे कर लेते, वाई वाले इकट्ठे, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा टू डी माइनस वन, एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों में से वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी माइनस वन, वाई कॉमन आ गया इक्वल ई की पावर माइनस टी। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, इसकी जगह डी लिख लेंगे साथ में एक्स आ जाएगा, प्लस ये इसकी जगह डी आ जाएगा साथ में वाई, प्लस टू एक्स प्लस वाई वैसे ही लिख लिया, बाकी एज इट इज़ लिख लिया हमने। अब देखें इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो d प्लस टू रह जाएगा, d प्लस टू साथ में x आ गया। अब ये दोनों y वाले, इनमें d प्लस वन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा, d प्लस वन और y कॉमन आ गया। अब इन दोनों में देखें ज़रा, इधर x के साथ हमारे पास क्या है, d प्लस वन है, इधर सॉरी y के साथ d प्लस वन है, इधर y के साथ d माइनस वन है, ठीक है। इधर x का d प्लस टू है, उधर x साथ साथ टू डी माइनस वन है, दोनों मुख्तलिफ हम x जिस तरह पहले y को किया है हम इसी अब भी y को ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें d प्लस वन के साथ और इसे d माइनस वन के साथ, तो दोनों y के जो कोफिशेंट है सेम हो जाएंगे, फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय d, ये माइनस में ये प्लस में है तो इसे प्लस वाले के साथ कर देंगे, ये हो जाएगा टू डी माइनस वन डी प्लस वन, साथ में एक्स आ गया, इसे भी कर देंगे डी माइनस वन डी प्लस वन, साथ में वाई इक्वल, इधर इस साइड पे भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम सारी मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बहुत साइड करते हैं ना, तो डी प्लस वन ई की पावर माइनस टी आ गया। इसे भी मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइनस वन के साथ, इसे प्लस वन के साथ किसी से माइनस वन के साथ कर देंगे, थोड़ा इधर से लिख लेते ताकि पूरा आ जाए, डी प्लस टू डी माइनस वन एक्स प्लस इसके साथ डी माइनस वन
डी प्लस वन वाई वैसे आ गया, इसके साथ भी आएगा डी माइनस वन ई की पावर टी हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए ये हमारे पास अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, अभी तो देखिए यहाँ पे ये जो डी यूज़ हो रहा है, चलिए इसे लास्ट में ही कर लेंगे बाद में, अभी हम जिस तरह पहले करते आए उसी तरह ही करते हैं। इक्वेशन वन और टू को माइनस कर लेते हैं, वाई की वैल्यू जो कोफिशेंट है वो कट सेम होने की वजह से कट जाएंगे। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये तो बाद में भी करना ही पड़ेगा। टू डी स्क्वायर प्लस टू डी, माइनस से करेंगे सिर्फ साइन चेंज होगा, एक्स आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसने कट ही हो जाना है। डी माइनस वन डी प्लस वन वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। डी ई की पावर माइनस टी, वन के साथ करेंगे की पावर माइनस टी आ गया। अब इसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसने तो कट ही हो जाना है, मल्टीप्लाई कर भी ले तो फिर भी उसने कट ही हो जाना है, तो इसे लिखते हैं। डी को डी से करेंगे डी स्क्वायर, अब डी को वन से करेंगे माइनस टी, टू को डी से करेंगे टू डी, टू को वन से करेंगे माइनस टू, साथ में एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे ये वैसे डी माइनस वन डी प्लस वन वाई इक्वल, ये चीज़ वैसी आ गई इक्वल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे डी ई टी माइनस वन के साथ करेंगे ई टी, ठीक हो गया। इन्हें हमने माइनस करना है क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, तो चेंज करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ये कट हो गया। अब ये डी स्केयर, ये भी डी स्केयर, टू डी स्केयर माइनस डी स्केयर, तुम्हारे पास क्या आ गया डी स्केयर टू डी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का डी माइनस का डी कट गया, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये भी दोनों कट गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस टू माइनस वन, तो हमारे पास प्लस वन बच जाएगा, यहाँ प्लस वन लिख लेंगे, साथ में एक्स लिख लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ मैंने आपको इस तरह करके दिखाई, आप रफ में इसे करके भी देख सकते हैं, ये देखिए ना ये माइनस है तो नीचे के साइन चेंज होने हैं, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो, ये प्लस का टू डी, ये माइनस का टू डी कट गया, ये माइनस का डी और ये प्लस का डी कट गया, इन दोनों को सॉल्व करके वन आ गया, ये कट हो गया था। अब ये देखें इसका मतलब, डी का मतलब डेरिवेटिव है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेके लिख लेते हैं, इनके भी साइन चेंज होने से, सॉरी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, लेंगे तो क्या आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस टी, इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में ये वाला माइनस टी आ जाएगा ई की पावर टी, ये प्लस, ये भी वैसे आ जाएगा ई की पावर टी, ये ई की पावर टी, ई की पावर टी कट हो गए, ई की पावर माइनस टी प्लस में, ये माइनस में, ये भी कट हो गए, इस तरफ जीरो रह गया, जिस तरह बाकी के पहले इक्वेशन में वैसे ही जीरो होता था, इसमें कटिंग करके जीरो आ गया, तो ये डी स्केयर प्लस वन इक्वल जीरो लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो ये डी स्केयर उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, स्केयर रूट के अंदर अगर माइनस वन हो तो आयोटा आ जाता है, तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने किया तो उसमें रूट्स रियल थे और रिपीटेड थे, वो आप लोगों को लिखने का मेथड भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब किया तो उसमें रूट जो थे रियल थे लेकिन उसमें रिपीटेड नहीं थे, डिस्टिंक्ट थे, मतलब मुख्तलिफ थे, वो लिखने का भी आपको मेथड आ गया है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन किया इसमें जो रूट आया हमारा इमेजिनरी आ गया, कम्प्लेक्स आ गया है, तो इसको कैसे हम लिखते होते हैं, कम्प्लेक्स अगर रूट आ जाए तो ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की है, एक्स इक्वल सी वन, वैसे अगर आता है तो, अगर रियल में आता है तो हम ई की पावर में लिखते हैं, अब यहाँ पे जब आया तो हमने हमने लिखना है कॉस और साइन लिखना है, कॉस पहले कॉस लिखेंगे, ये स्टार्ट में डी क्या लिया था, डी ओवर डी टी, मतलब टी से डिफ्रेंशिएट हो रहा था, मतलब इसमें टी यूज़ हो रहा था, तो वैसे ही जैसे पहले हम यूज़ करते थे ई की पावर में टी लिखते थे, अब कॉस के एंगल में टी आ जाएगा, और साथ में वो चीज़ आएगी जो इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट क्या है वन, तो इसका कोफिशियंट वन है तो वन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद आएगा प्लस सी टू, अब लिखेंगे साइन, साइन टी और जो इसका कोफिशियंट है वन है, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एक्स, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करनी है वाई की वैल्यू। अब इधर देखें जरा इसमें इक्वेशंस, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, सो ये वाली दो जो हमारे पास बन के आई थी, इसमें भी एक्स मौजूद है, इसमें भी एक्स मौजूद है, इसमें भी वाई मौजूद है, इसमें भी वाई मौजूद है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखें ज़रा, अगर इसमें वाई के साथ भी डेरिवेटिव मौजूद है, इसमें भी वाई के साथ डेरिवेटिव, वाई के साथ डेरिवेटिव मौजूद नहीं होना चाहिए, वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई वैसे हो जाए, हम ऐसा करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को ना कुछ कर लेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अब ये देखें अगर ये प्लस का डी है
अगर इसे माइनस करें तो ये डी माइनस का होकर कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम इस दोनों इक्वेशन जो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं ताकि ये जो डी है वाई के साथ वाला वो कैंसिल हो जाए, वन चाहे रह जाए उससे कोई मसला नहीं है, सिर्फ डी जो है वो कैंसिल हो जाए ताकि हम इसमें से वाई की वैल्यू फाइंड कर सकें। पहले इन इक्वेशन को ना माइनस कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, इनको की नाम स्मॉल ए और स्मॉल बी का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 2d, ये वाली पहले यानी कि x वाली में से x वाली माइनस होगी 2d, यहाँ d है 2d माइनस d क्या आ जाएगा, d हमने d लिख लिया, ठीक हो गया। अब माइनस वन माइनस टू, तो माइनस थ्री आ जाएगा साथ में x, माइनस थ्री साथ में x आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें देखें d माइनस d कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस वन, क्योंकि माइनस करें ना इसलिए यहाँ पे साइन माइनस आना, माइनस वन माइनस वन, तो हमारे पास माइनस टू आ जाएगा साथ में y, माइनस टू वाई आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें e की पावर माइनस टी, माइनस करें तो e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर टी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें x की वैल्यू जो है वो इजीली पुट कर सकते हैं, इन दोनों को इधर ले आएंगे इसको उधर, क्योंकि हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो उस तरफ सिर्फ y रखना है, बाकी सबको इधर ले आना है। d माइनस थ्री वैसे लिख लेंगे, x की जगह ये जो हमने वैल्यू अभी फाइंड की है cos t प्लस सी टू साइन टी, इसे उस तरफ ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा, इसे इस तरफ ले आएंगे, ये इस तरफ आके माइनस ई की पावर माइनस टी, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा ई की पावर टी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा टू वाई। इसे सॉल्व करने के बाद ये टू को भी इधर ला के डिवाइड कर देंगे ताकि वाई की वैल्यू आ जाए, ठीक हो गया। डी के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, डी के साथ करेंगे पहले डी सी वन कॉस टी प्लस डी सी टू साइन टी, माइनस थ्री के साथ करेंगे माइनस थ्री सी वन कॉस टी माइनस थ्री सी टू साइन टी, ये वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़, माइनस टी प्लस ई की पावर टी इक्वल टू वाई, ठीक हो गया। डी मतलब डेरिवेटिव लेना है, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा सी वन, कॉस का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस साइन टी प्लस साइन का हमारे पास कॉस होता है सी टू कॉस टी, ये वैसे ही आ जाएगा माइनस थ्री सी वन कॉस टी माइनस थ्री सी टू साइन टी माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर टी इक्वल टू टी आ गया, ठीक हो गया। अब देखें जो हमारे पास है साइन वाला एक ये है हमारे पास एक ये है, ठीक हो गया। पहले कॉस वाला लिख लेते हैं साइन वाला, क्योंकि दोनों माइनस में है, हम कॉस वाला लिख लेते हैं, ये दोनों इन दोनों में से कॉस टी कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा सी टू सी टू माइनस थ्री सी वन, ये इधर ही लिख लेते हैं हम, नहीं तो फिर पीछे से बार बार देखना पड़ेगा। कॉस टी कॉमन है, कॉस टी कॉमन आ गया, हमारे पास अंदर क्या बच गया सी टू और इधर माइनस थ्री सी वन, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें माइनस साइन टी, तो हमारे पास अंदर क्या यहाँ से माइनस सी वन और यहाँ से माइनस तो कॉमन ले लिए थे सी वन, यहाँ से प्लस थ्री सी टू, सी वन प्लस थ्री सी टू आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास चारों हो गए। अब आगे ये जो है ये हमने वैसे ही लिख देना है, माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर टी इक्वल टू, जो इसी इधर ला के डिवाइड कर देते हैं अभी, ये इसके ओवर में भी आ जाएगा, इसके ओवर में भी आ जाएगा, इसके ओवर में भी आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया।